अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। आज बड़ा मतलब जिल्लत अमेज इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए लम्हा है और बड़ी शर्म की बात है। यकीन करें, मुंह छुपाने के लायक नहीं छोड़े हमारी टीम ने। हम जी बड़ा उछल उछल के कभी बाबर आजम के पीछे छुपते हैं, कभी रिजवान के पीछे छुपते हैं, वगैरह वगैरह तमाम बड़े नामों के पीछे हम छुपते हैं, लेकिन रियलिटी जो हकीकत है वो एक्सपोज हो गई है। वो एक्सपोज हो गई है, बांग्लादेश ने हमें अपनी जो औकात है वो दिखा दी। सर, इसमें भागने वाली बात या वो बात नहीं है कि टाल मटोल करने वाली बात नहीं है, जो रियलिटी है, अगर हिम्मत है, अगर ताकत है तो सामना करो कि जो हमारे हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर घर में टीमें हमें रौन देंगी, हमें अगर फेंटल लगाएंगी, हमारी तबीयत ठीक करेंगी, सवालात उठेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ना पहले किसी ने पूछ गूछ की है, अगर की भी है तो क्या उन्होंने सुधार लिए, क्या सुधार लिया है। और अब अगर जे उन्होंने कारनामा कर दिया, सुपर एट में टीम को तमाचा पड़ा, सुपर एट से पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम जलील होकर बाहर निकली, किसी को जरूरत तक नहीं हुई टीम में कोई छेड़छाड़ करे, हुई है नहीं हुई है। अब टेस्ट मैच में कोई बात नहीं है, घर में हार गए, इस तरह तो मतलब होता रहता है, इनका तो पेशा बन गया। कभी इंग्लैंड जो है इनको ठोक के चला जाता है 3-0 से, कभी ऑस्ट्रेलिया यहां से सीरीज जीत जाता है, न्यूजीलैंड जब मैच सीरीज ड्रॉ कर देता है, बांग्लादेश सीरीज जीत के बांग्लादेश जो है वो मैच जीत जाता है जहां पे। इनको कोई फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा है। इनका तो मतलब जो म्यार है, जो लेवल है वो डाउन नहीं होगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। यही सीन है, अगर ग्रुपिंग नहीं है तो फिर ये क्या है। शान मसूद जी मेंटली बड़ा स्ट्रांग बंदा है, दिमाग है। जेसन गिलेस्पी साहब, आपने तो कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मैं पाकिस्तान में कोई ऑस्ट्रेलिया का मॉडल इंस्टॉल नहीं करने जा रहा, मैं पाकिस्तान की टीम में कोई ऑस्ट्रेलिया जैसा कारनामा बिल्कुल नहीं अपनाने जा रहा। पाकिस्तान का जो नेचुरल स्टाइल है, जो नेचुरल अंदाज है, मैं तो पाकिस्तान को उसी तरीके से इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करूंगा, लड़ाऊंगा। तो किधर गई आपकी सोच अप्रोच? वो खड्डे में फिर तो ये मतलब वो चली गई है ना, आपकी जो सोच अप्रोच थी, आपका जो इंटेंट है, आपकी टीम का इंपैक्ट है, वो तो खाक हो गया, रेजा रेजा मतलब बांग्लादेश इनको कर दिया। भाई यहां पे जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए, टीम बांग्लादेश के लिए बनती है, उनके स्पेशली प्लेयर्स जिसको उठा के देखे, लितन दास को उनके एक ओपनर 91 बनाए थे पहली इनिंग के अंदर, इसके अलावा मुशफिक ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। शाकिब अल हसन विद द बॉल तगड़ा आया, 3 विकेट्स ले गया। मैजिस्टर मिराज ने 4 विकेट्स लिए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्व करता है, मैच इनिंग खेली है 70 रन की। तो ये है वो रियलिटी, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया भाई, कोई पल्ले कुछ हमारे नहीं पड़ने वाला, चाहे जो जितना मर्जी है जोर लगा लो, चीखने चिल्लाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।